प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपका आशीष सर, एक नई वर्कशीट G15 को लेकर के क्लास 7th और 8th यानी कि 7वीं और 8वीं दोनों क्लासेस के लिए ये वीडियो 23 जुलाई की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है, पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अभी कर लीजिए। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक बहुत ही फेमस प्रचलित इस चित्र को, जो कि आपने अक्सर देखा होगा दिल्ली में खासकर। ये लिखा हुआ मदर डेयरी यानी कि दूध, तो ये दूध की डेयरी है मदर डेयरी, और यहाँ पर मिलता है दूध, दही, घी, लस्सी, बहुत सारी चीज़ें जो कि दूध से बनी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। तो ये बूथ आपने ज़रूर देखा होगा, दूध लाते भी होंगे आप। और चलते हैं अब हम इसके वर्कशीट की तरफ। आज मैं दादाजी के साथ शाम को पार्क घूमने गई। एक लड़की है जो कि अपने दादाजी के साथ डेली पार्क में घूमने जाती है शाम को। आप भी जाते होंगे अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ, दादा दादी के साथ। तो इसी तरीके से छोटी सी लड़की है जो अपने दादाजी के साथ पार्क में घूमने गई। लौटते समय मदर डेयरी बूथ से 2 लीटर दूध खरीदा। मदर डेयरी जो कि हमने ऊपर पिक्चर आपको दिखाया है, मदर डेयरी बूथ से उसने 2 लीटर दूध खरीदा। तो प्यारे बच्चों, मदर डेयरी में आपने देखा होगा टोकन डालते हैं तो दूध निकलता है, और थैली वाला दूध भी वहाँ पर मिलता है। तो आपको थैली वाला दूध अच्छा लगता है या टोकन वाला, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। दादाजी ने मुझे बूथ पर लगे बोर्ड को दिखाया। वह दूध में पाए जाने वाले विटामिन व पोषक तत्वों की जानकारी दी। तो दादाजी ने कहा, देखो बेटा, वो सामने मदर डेयरी का बूथ है और वहाँ पर बोर्ड पर मदर डेयरी, उसकी टाइमिंग वगैरह और काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। साथ ही दादाजी ने बताया, भाई दूध में क्या क्या मिलता है। दूध में प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। अक्सर दूध बहुत तरीके से काम भी आता है, दूध से बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, साथ में छोटे बच्चों को दूध भी पिलाया और दिया जाता है। साथ ही दादाजी ने कुछ प्रश्न पूछे छोटी सी लड़की से, अगर आप भी इनके उत्तर जानते हैं तो हमें बताइए। तो जो सवाल दादाजी ने छोटी लड़की से पूछे अपनी पोती से, तो चलिए यहाँ पर हम आपके लिए भी वो सेम सवाल यहाँ पर रखते हैं और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, बूथ के सुबह व शाम को खुलने के समय में कितना अंतर है, साथ में दूध हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, मदर डेयरी पर दूध के अतिरिक्त मिलने वाली चीज़ों के नाम बताइए, और दूध से बनी अपनी पसंदीदा वस्तु का नाम लिखिए। तो चलिए इनके आंसर देखते हैं। तो चलिए पहला सवाल है, बूथ के सुबह व शाम को खुलने के समय में कितना अंतर है। तो मदर डेयरी बूथ सुबह प्रायः 6 बजे से 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक, और शाम को 4-5 बजे से 9-10 बजे तक खुलता है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, और कोरोना काल में तो इसके लिए भी टाइमिंग जो बाउंडिंग रखी थी कि इतने से इतने बजे ही खुलेगा। तो अगर हम अंतर जाने तो अगर 1 बजे ये खुलता है, बंद होता है, तो फिर 4 बजे खुलता है। तो ये इसका अंतर है, कितने घंटे ये बंद रहता है और कितनी देर तक ये खुला रहता है। दूसरा सवाल है, दूध हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी होता है। तो देखो, दूध हमारे लिए बहुत तरीके से उपयोगी है, जैसे दूध हमारे अनेक प्रकार से उपयोगी है। जैसे दूध से चाय कॉफ़ी बनाई जाती है, आपको पता ही है दूध से चाय बनती है। दूसरा है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और विटामिन, पोषक, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। साथ में छोटे बच्चों को तो दूध पिलाना ही चाहिए, और उन्हें पिलाते भी हैं, कई बार बॉर्नविटा पीना हो, काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सिर्फ दूध के साथ खाई जाती है ना। दूध से बनी चीज़ें जैसे दही, लस्सी, घी, पनीर आदि हर घर की ज़रूरत है। तो दूध हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर देखो, मदर डेयरी पर दूध के अतिरिक्त मिलने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो देखो, मदर डेयरी, सॉरी डेयरी लिखेंगे यहाँ पर, ये
मदर डेयरी पर दूध के अतिरिक्त अन्य चीज़ें मिलने वाली, जैसे दही, पनीर, मटर, लस्सी, खोया, घी, और आजकल तो लोग क्या कुरकुरे, चिप्स वगैरह भी रखने लग गए हैं ना। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लिखेंगे, साथ में और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं मदर डेयरी पर आप मुझे भी ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिसे खाने के लिए आप मदर डेयरी पर जाते हैं। अगला सवाल है, दूध से बनी अपनी पसंदीदा वस्तु का नाम लिखिए। वैसे तो दूध से बनी सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, इनमें से मुझे पनीर सबसे ज़्यादा पसंद है। आप कुछ और लिख सकते हैं, आपको दही ज़्यादा पसंद हो, आपको लस्सी ज़्यादा पसंद हो, आपको खोया ज़्यादा पसंद हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं। पनीर क्यों पसंद है? क्योंकि मैं पनीर की सब्ज़ी के साथ बहुत सारी चीज़ें, सॉरी यहाँ पर मैं नहीं आएगा, क्योंकि पनीर सब्ज़ी के साथ बहुत सी चीज़ों में डलता है। तो पनीर आप समोसे में डाल सकते हैं, पनीर आप सब्ज़ी में डाल सकते हैं, पनीर आप मोमोस में डाल सकते हैं, और कहाँ कहाँ आप पनीर डालते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज की वर्कशीट बस इतनी ही है, वीडियो को लाइक शेयर अपनी क्लास में ज़रूर कीजिए, और हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।